नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज शाम की सच्ची खबरों में आप सब भाई बहनों का स्वागत है। सबसे पहले ही मैं आप लोगों को एक छोटा सा ऐलान बता दूं, आज के इस वीडियो में आप लोगों को मैं बहुत ही ज्यादा एक महत्वपूर्ण खबर बताने वाला हूं कल के वीडियो को लेकर के। तो अगर आप लोगों को वीडियो देखना है तो पूरा देख करके जाना। आप लोगों को बहुत एक बड़ी, चाहे खुशखबरी कहो या बहुत बड़ी जानकारी कहो, वो उसका आज हम अनाउंसमेंट करने वाले, यानी ऐलान करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहनों देख करके जाना। जो भी भाई बहनों को भरोसा नहीं है, कसम से कह रहे हैं कि आप लोग 15 दिन हमारे वीडियो देख करके देखिए, आप लोगों को अंदाजा लग जाएगा ऑल इंडिया के द्वारा कितनी आगे और फास्ट खबरें आपको दी जाती हैं। आगे बता दें, ये देखो पहली बात, एक खबर आई है, इसमें बहन ने लिखा है कि बबली राजा बहन है और ललितपुर वगैरह जिले से है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उनका कहना है, भाई आपने जो कल प्रपत्र वगैरह दिखाया था वही आज हमारे यहां पर जो है आ गया। तो देख सकते हो, ऐसे बहने जो इनको भरोसा मान लीजिए करना है वो करें, जिनको नहीं करना है वो ना करें। आगे देखिए, अगला मैसेज ये लगा हुआ है, सरकारी आदेश है आप लोगों के बहुत ज्यादा काम का है, इसको भी देखो और उस खबर का इंतजार करो जो हम एक बड़ा अनाउंसमेंट करेंगे आज। यहां पर बता दें, लखनऊ मंडल के लिए एक बढ़िया सूचना जारी है आंगनबाड़ी बहनों। लखनऊ मंडल में जितने भी जनपद हैं, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, खीरी, इन सभी के मुख्य विकास अधिकारी जी को लेटर भेजा गया है। 5 अक्टूबर को यह जो है लेटर जारी हुआ है और अद्यतन प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराने के संबंध में है। यह किस तरह की प्रगति रिपोर्ट है, आइए इसके बारे में भी हम आपको बता दें, शायद आप लोगों को जानकर थोड़ी खुशी भी होगी इस मैटर पर। इसमें लिखा है, अवगत कराना है कि जनपद या विकास खंड या ग्राम पंचायत स्तर, इस पर जो आंगनबाड़ी केंद्र की प्राथमिक अथवा जूनियर वाले विद्यालय हो, वहां पर जो बनने हो या पंचायत भवन में निर्माण कार्य वहां पर होने हो, तो उन सब में भूमि संबंधी जो कहीं विवाद चल रहा है अथवा अन्य किसी प्रकार की कोई परेशानियां आ रही है, तो निम्न जो है प्रारूप पर दिनांक 8 अक्टूबर तक, यानी कल तक जो है सूचना अध्यावधिक वगैरह सूचना उपलब्ध कराते हुए मंडलायुक्त महोदय द्वारा निर्देश दिए गए थे। तो आप लोग देख लीजिए, प्रारूप कुछ इस तरीके से है, प्राथमिक और जूनियर विद्यालयों में आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए, पंचायत भवनों की जमीनों पर निर्माण के लिए, या अगर कोई दिक्कतें आ रही तो यहां पर यह जानकारी मांगी गई है लखनऊ मंडल के इन जनपदों के लिए। अब इसमें क्रम संख्या, जनपद का नाम, विकास खंड का नाम, ग्राम पंचायत का नाम, आंगनबाड़ी केंद्र पंचायत का भवन का नाम, लेखपाल का नाम और उनका मोबाइल नंबर, प्रधान का नाम और मोबाइल नंबर, ये प्रपत्र पर सूचना बाल विकास वाले बहनों आप लोगों को दे देनी चाहिए थी, मतलब आपको नहीं देनी चाहिए थी, ये मांगी गई है मुख्य विकास अधिकारी से। वो अपना जानकारी खुद ही जुटाएंगे अगर अपनी जिम्मेदारियों को वो निभाएंगे, वरना आप लोगों को बता दें, बहुत सी बहनें कहती हैं कि भैया हमारा केंद्र बनना है और यहां पर बनाने नहीं दे रहे। बहनें चाहती हैं कि प्राथमिक विद्यालय के परिसर में बने, वहां पर जगह भी खाली है, फिर भी प्रधान नहीं बना रहे, ऐसे बहुत से मसले आते रहते हैं। अब देखो यहां पर इसमें लिखा हुआ 8 जो है अक्टूबर को 12 बजे तक अनिवार्य रूप से सारी सूचना उपलब्ध करा दी जाए, जो आपके लखनऊ मंडल के आप लोगों के आयुक्त हैं तो उन लोगों को। तो यहां पर देखिए, श्री कृष्ण त्रिपाठी जी हैं, उनके द्वारा यह लेटर जारी हुआ था। चलिए आगे चलते हैं, पूरा वीडियो मैंने कहा है देख करके जाना, आपको जानकारी बहुत ही अहम आज देने वाला हूं। ये देखो, ये एक बहन है, उन्होंने सूचना भेजा था, ये वही वाली सूचना जो मैंने सुबह आप लोगों को 7 बजे वीडियो दिया था उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी प्री प्राइमरी की ट्रेनिंग के संबंध में, जिसमें पैसे के बारे में भी जिक्र किया था। पैसा किस लिए था? आंगनबाड़ी बहनों को ट्रेनिंग के दौरान लंच और पानी की व्यवस्था के लिए था, यानी ट्रेनिंग के दौरान खाने पीने के लिए थोड़ा बहुत लंच के लिए था, लंच करेंगी तो पानी भी पिएंगी, तो उन दोनों के लिए पैसा मद में था, मैंने सब बताया था। फिलहाल के लिए आगे चलते हैं, बहन ने कहा कि भैया जी ये सूचना उनके वहां कार्यालय में आई है, तो उन्होंने फोटो खींचकर को हमें जो है भेज दिया है। गजला बहन है, बहुत बहुत स्वागत है, हरदोई वगैरह से है। तो आगे अब आपको हम ले चलते हैं, जैसे इस मुद्दे पर जुड़ी हुई और भी जानकारी है, इसमें कुछ जानकारियां ये है, आप देख लीजिए, महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए कुछ इतने बिंदुओं पर भी कुछ इस समय चर्चाएं चल रही, जैसे आंगनबाड़ी केंद्रों की उपलब्धता क्या है वहां पर, हाँ मैं या ना में जवाब भरने हैं, यदि गांव में उपलब्ध नहीं है तो निकटतम आंगनबाड़ी केंद्र की सूची वगैरह, ये पानी पेयजल की व्यवस्था के लिए था। क्या आंगनबाड़ी केंद्रों में प्रारंभिक बचपन शिक्षा प्रदान की जाती है? गांव में 0 से 3 वर्ष आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उनकी संख्या कितनी है? आंगनबाड़ी में पंजीकृत 0 से 3 वर्ष आयु तक के बच्चों की संख्या कितनी है? आंगनबाड़ी में जो 3 से 6 वर्ष वालों की संख्या कितनी है और 0 से 3 वर्ष वाले बच्चों की संख्या कितनी है? ऐसे ICDS रिकॉर्ड के अनुसार गैर अविकसित के रूप में वर्गीकृत बच्चों की संख्या कितनी है? रक्तहीनता से पीड़ित गर्भवती महिलाओं की संख्या कितनी, यानी जिनमें एनीमिया की कमी हो, यानी एनीमिया हो। आगे देखिए, रक्तहीनता से पीड़ित किशोरी जो है लड़कियों की संख्या और 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की संख्या जो कम वजन के हो, लड़कों की संख्या 0 से 6 वर्ष वाले, लड़कियों की संख्या 0 से 6 वर्ष वाले, ऐसे सारे डाटे वगैरह मांगे जा रहे हैं। तो फिलहाल के उस मुद्दे को भी हम पीछे छोड़ते हैं, अब आते हैं हम मेन आप लोगों को बताया जो एक बड़ा
जो हम यहाँ पर ऐलान करने वाले हैं। हम आपको बता दें, चंद्रावती चौधरी बहन है, जानकारी उन्होंने मुझे ये भी भेजा है, उत्तर प्रदेश में जो भी आप लोगों का ट्रेनिंग चल रहा है ना, उस ट्रेनिंग के संबंध में जो जो आदेश आया सुबह के वीडियो में मैंने दिखाया। एक और उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी भेज दी है, जनपदों की लिस्ट पूरी बहन ने मुझे भेज दी है। इस लिस्ट में ये पता चलता है कि किन किन जनपदों में कितने कितनी आंगनबाड़ी बहनें होंगी जिनको लगभग जो है ट्रेनिंग वगैरह दी जाएगी, या उतनी बहनें प्री प्राइमरी में तब्दील होंगी। तो उसके बारे में रिकॉर्ड मान के चलो, जनपदों में कितनी कितनी बहनें हैं, टोटल वगैरह की संख्या भी हम आपको बताएंगे। तो ये वीडियो आप लोगों का कल आ रहा है, कल सुबह, इसीलिए मैं चाहता हूं कल सुबह आप सब 7 बजे तैयार हो जाना, और 7 बजे आने वाला वीडियो हर हाल में आप लोगों को देखना है। जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर जनपद में कितनी कितनी बहनें हैं मैं आपको बताऊंगा। बहन ने लिखा है, भैया जी ये जो डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है, ये आदेश आया है प्री नर्सरी के प्रशिक्षण करने के लिए, हम लोग जो हैं और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए आपके न्यूज चैनल पर इतना बढ़िया तरीका से दिखाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहन सबसे पहले बता दूं, दो समस्याएं बहुत बड़ी हैं। एक ये कि कुछ बहनें पूछती हैं कि मिनी बहनों के लिए क्या प्रावधान है। तो बहन, मिनी बहनों के लिए अभी तक जो भी आदेश मैंने आपको दिखाए हैं, ठीक है, और हम सिर्फ आदेशों पर ही बात करते हैं, तो क्योंकि वही जो भी है उसी के आधार पर सब होना है, तो आदेशों में अभी तक मिनी बहनों के बारे में सरकार ने जिक्र नहीं किया प्री प्राइमरी में तब्दील होने के लिए या उनकी प्रशिक्षण ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। अब एक सवाल और उठता है, सहायिका बहनें भी कहती हैं कि हमारी ट्रेनिंग होगी कि नहीं, आंगनबाड़ी तो प्रशिक्षण पाकर के प्री प्राइमरी में बदल जाएंगी, हम क्या करेंगे, हमारा क्या होगा, ये चिंता सहायिका बहनों को है। उनके लिए आज तक कोई ऐसा आदेश नहीं निकला है जिसमें उनके ट्रेनिंग प्रशिक्षण के बारे में जिक्र हो रहा हो, तो ऐसे में ये दो मुद्दे ऐसे हैं जिस पर सरकार ने कभी साफ साफ कहा नहीं है, तो इस मुद्दे पर कोई कुछ कह नहीं सकता। तीसरा मुद्दा और बहनों एक बहुत बड़ा है, वो है आप लोगों के प्री प्राइमरी में तब्दील होने के बाद मानदेय वेतन वगैरह को लेकर के, इस पर भी सरकार ने अपना मुख नहीं खोला है, तो हम इन मुद्दों पर कुछ कह नहीं सकते क्या चल रहा है। फिलहाल के लिए आप खुद ही समझदार हो, मैं आपसे कई बार कह चुका हूं कि वीडियो देखा करो, अगर जिस दिन ही जानकारी आ जाएगी इन मुद्दों पर हम उस दिन आपको अपडेट दे देंगे। आपका फर्ज है देखना, हमारा फर्ज है दिखाना, हमारा फर्ज यह भी है कि हम सच्चाई से आपको बताएं, और सच बहनों भाइयों यही है। आगे आपको बता दें, अब देखिए ये एक मैसेज आया है बहुत ही बढ़िया है, ये देखो 6 अक्टूबर को 2 दिन पहले निकला था, महावीर प्रसाद गौतम जी हैं, संयुक्त सचिव हैं उत्तर प्रदेश में, उन्होंने निदेशक महोदय को यानी बाल विकास पुष्टाहार विभाग को आपके लेटर भेजा है। और पहले वाला जो लेटर मैंने दिखाया था वो था निदेशक थे, निदेशक जी का जारी किया हुआ यानी निदेशालय से, और ये आया है सचिव का जारी किया हुआ निदेशक जी को। इसमें देखो वही वाला लेटर है, और अंतर्गत जो आप लोगों का वित्तीय 2020 और 21 का जो वर्ष चल रहा है, इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ती एवं सहायिकाओं को मानदेय के लिए प्रावधानित जो धनराशि है उसी के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति जारी करने के संबंध में है, और इसमें आप लोगों को बता दें 50,000 लाख रुपए जो है उसके सापेक्ष कितना पैसा जारी किया गया है, 12,500 लाख रुपया जारी किया गया, यानी 1,25 करोड़ रुपया ये तिमाही के लिए बजट है आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय का। इसकी स्वीकृति मिली है 6 अक्टूबर के लेटर के मुताबिक, लेकिन आप सब जानते हो यदि 3-3 महीने की भी स्वीकृतियां मिल जाती हैं तो सवाल ये उठता है कि कम से कम 3-3 महीना तो लगातार समय पर भुगतान निदेशालय करे, और जब 3 महीना पूरा हो जाए उसके 15 दिन पहले ही अपना आगे के बजट के लिए प्रावधान कर ले, आगे का यानी बजट की स्वीकृति ले उसको भी मंगवा ले निदेशालय में, और यानी बहनों का पैसा समय से भुगतान होना चाहिए। जुलाई प्लस अगस्त, जुलाई का कहीं कहीं आया, कहीं पर आया भी नहीं, अगस्त और सितंबर के पैसे के लिए उत्तर प्रदेश में भी बहनें परेशान हैं, और बिहार में तो काफी महीनों से बहनें परेशान हैं, साथ ही साथ बिहार में कुछ बहनें ऐसी भी हैं नई भर्ती वाली जो 2-2 साल से परेशान हैं। तो इन पैसों को लेकर के हर जगह यही देखने को मिलता है कि बहनों के साथ में विभाग वाले जो है लापरवाहियां बहुत तगड़ी बरत रहे हैं। आगे बताना चाहेंगे, ये देख सकते हो इसमें जो भी दिशा निर्देश जारी थे पूर्व के लेटर में मैंने बताए हैं, सेम वैसे ही है जैसे निदेशक ने जो लेटर जारी किया था निदेशालय से बाल विकास में, और वैसे ही जो है सचिव ने उनको भेजा है। आगे देखो अगला मैसेज शायद आप लोगों के काम का हो, लिखा है, भैया मैं रेनकूट वगैरह सोनभद्र से हूँ, मेरे यहाँ आशा की नियुक्ति नहीं है, मैं नगर क्षेत्र से आंगनबाड़ी हूँ, आशा का सारा काम हम लोगों से कराया जाता है, लेकिन उसी काम को आशा करती है तो उनको उसका पैसा मिलता है, हम लोग करते हैं तो उसका कोई पैसा नहीं मिलता है। बोलने पर हमारा विभाग और स्वास्थ्य विभाग दोनों से यही जवाब मिलता है कि आप लोगों को मानदेय मिलता है, आशा को नहीं। कितना गलत जवाब है, क्यों? क्योंकि आंगनबाड़ी बहन वहां पर लगी है, ठीक है, अगर आशा बहन होती तो आशा बहन को क्या मिलता? ऐसा तो है नहीं कि मानदेय मिलता, मानदेय आशा बहन को नहीं मिलता है, आशा बहन को प्रोत्साहन राशि मिलती है। अब उस राशि को भी तो कम से कम आशा बहन को मिलता है उस काम के लिए, अब वही काम आप आंगनबाड़ी पर थोप रहे हो
और काम आपका वो हो जा रहा है, और वो जो पैसा है वो कहां जा रहा है, उस काम का जो पैसा है, क्योंकि वो काम तो हुआ और जो काम हुआ उसकी प्रोत्साहन राशि तो आएगी। ये मानदेय नहीं है कि आंगनबाड़ी बहन को एक्स्ट्रा चार्ज थमा दो, उनको फिर मानदेय का पैसा मत भेजो, क्योंकि मानदेय तो जारी नहीं होगा, लेकिन ये प्रोत्साहन राशि है, ये काम होगा तो कोई काम करे उसको मिल जाएगी, लेकिन ये पैसा शायद अधिकारी वहां के डकार रहे होंगे, ये कारण है गहरा। तो आप लोग समझिए, ये होता है, आंगनबाड़ी से काम करवा लो स्वास्थ्य विभागों का आशा कर्मियों की जगह का और पैसा उनको ना दो। अरे भाई, आशा बहन होती तो उनको तो आपको प्रोत्साहन राशि पैसा देना पड़ता ना। तो ये चीजें हैं, ऐसे बहनों को जो है बहला फुसला करके काम लिए जा रहे हैं। आगे देखो भैया जी, जो है यहां पर लिखा है आसाम में, असम से बहन है हमारी, उनका कहना है आसाम में सितंबर 2020 तक रुपए 4500 रुपया करके ही आ रहा है, 2018 का अभी भी जो है 22500 रुपया उनका बाकी है। बताओ, दो साल पहले का 22500 रुपया बाकी है असम में बहनों का। उनका कहना है कि कोरोना में जान ढाल के कम निपटने के बावजूद कुछ नहीं मिला, राज्य सरकार 2000 रुपया मानधन के साथ दे रहा है, कुल मिलाकर के 6500 रुपया जो है अभी। खास खबर जो है कुछ है क्या? तो देखो भैया बहन, असम से तो खास खबर नहीं है, लेकिन ये एक सच्चाई पता चली आपके जरिए सभी बहनों को अन्य राज्यों की, कि कैसे सरकारें जो है उल्लू बना रही है। सरकारों का बस काम होता है कि जब भी चुनाव आए आओ जुमला देकर के चले जाओ। दोपहर 3 बजे के वीडियो में मैंने बहुत गहराई से आप लोगों को एक सच्चाई रखी है, जिसमें मुन्ना जी ने जो है कमेंट किया है, यानी ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट किया है मुख्यमंत्री को भी, प्रधानमंत्री को भी, उनकी कड़वी हकीकत को। तो उसको यदि आपने देखा है तो आप समझ चुके होंगे ऐसे ही सब जगह हो रहा है। तो यहां पर बताना चाहेंगे 6500 रुपया बहनों को मिलना चाहिए था, और मिल कितना रहा है? मात्र 4500 रुपया बहनों को मिल रहा है, यानी केंद्र सरकार का मिल रहा है, राज्य सरकार आसाम में कुछ भी नहीं दे रही है। अब आगे देखो, एक और बहन है, ये है पद्मा बहन, इन्होंने लिख करके जो भेजा है आइए पढ़ते हैं। लिखा है, भाई आज मैं जो है बैंक गई थी तो मेरे यहां अकाउंट में कुछ पैसा पहले वगैरह कटा, खाता निकालने के बाद अवशेष में ऐसे कुछ लिखा हुआ 5563 रुपए जुलाई का मानदेय था, सबका आ गया है, 62 वर्ष के ऊपर वालों का पता नहीं लिखा है भी आ गया या फिर नहीं आया, जो भी लिखना चाहते साफ बहन ने नहीं लिखा है। अगला मैसेज बहन जब करना थोड़ा लिखना, एक लाइन लिखना, लेकिन एक लाइन में वो वाक्य पूरा हो जाना चाहिए, मतलब जो आप कहना चाहो, जैसे किसका पैसा आया है और किसका नहीं आना, 62 वर्ष वालों का आया है नहीं आया, क्योंकि 62 वालों का पैसा जुलाई का नहीं आया है अभी, ये हम जानते हैं आप सब जानते हो। तो यहां पर बता दें, ऐसे ही बहन ने कुछ लिखा है, मेरे यहां इसी मानदेय को कोरोना की जो है जांच की गई। तो पहली बात तो बहन ने आपने जो भी लिखा है उसमें कोई सेंटेंस नहीं बन पा रहे, मैंने कई बार कोशिश किया, इसलिए मैं चाहता हूं अगला मैसेज जब आप करें तो ध्यानपूर्वक उसको पढ़ लें मैं क्या लिख रही हूं, और अच्छे तरीके से सही सही साफ साफ लिखें। आगे देखिए, अगला मैसेज ये है, मेरा प्रिय बेटा सुधांशु, ये बहन ने लिखा है, सदैव प्रसन्न रहो, मेरी हार्दिक शुभकामनाएं आपके साथ हैं। भैया मैं आपको अवगत कराना चाहती हूं कि मेरे कुछ बहनें जो है 62 वर्ष से अधिक हैं, उनका जुलाई अगस्त का मानदेय आ गया। तो बहन पहली बात तो आपको बता दे, जुलाई अगस्त का उनका मानदेय नहीं आया होगा, अभी अगस्त का तो किसी का नहीं आया है, और अगस्त का कैसे आ जाएगा 62 वालों का, अरे उनका तो जुलाई का भी बाधित है, उनका नहीं आया होगा। तो जो भी है, आया है तो अच्छी बात है, पता नहीं कारण क्या है, क्यों नहीं आया, मतलब क्यों आया होगा लिखा है, किंतु मेरा उनका कहना अभी तक नहीं आया है, 2007 से अब तक भवन का किराया भी मैं अपने पास से दे रही हूं, उसका भी किराया मुझे जो है नहीं मिला है। ये काफी दुख की बात है कि 2007 से आंगनबाड़ी बहन नौकरी ये कर रही है, इनको स्टार्टिंग में ही थोड़ा बहुत पैसा मिला था, उसके बाद से इनको कुछ भी पैसा नहीं मिला है, और आप देख लीजिए 2007 से इनका भवन किराया बकाया। अब आप सोचो 2007 से 2020 में इन 13 सालों में कितना ज्यादा भवन किराया हो गया होगा, आखिर कैसे उसका जो है वहन नहीं हुआ, मतलब उस भवन किराए का खर्चा नहीं हुआ, बहनों तक पहुंचाया नहीं गया उस भवन किराए को लेकर के, बिल बाउचर कैसे कहां, मतलब क्या लगाए गए, जो ये सब एक इतनी बड़ी लापरवाही देखी जा रही है। तो बहन को पैसा नहीं मिल पा रहा है। तो लिखा है 8 सितंबर 2020 से COVID-19 की ड्यूटी डीएम के आदेश के अनुसार वो कर रही है, मेरी सेवा यही आंगनबाड़ी की सेवा में मान्य है या नहीं या अमान्य है मेरी ड्यूटी, मैं प्रेमा मिश्रा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अलीगंज लखनऊ से 8/10/2020 को ही भेज रही है। तो बहन बताना ये चाहेंगे, पहली बात यदि आप जुलाई में आपकी सेवा समाप्त हो गई, लेटर आ गया, तो आपकी सेवा वो समाप्त मानी जाएगी, वो आपकी ड्यूटी व्यूटी नहीं मानी जाएगी। आपसे यदि काम ले रहे हैं COVID-19 संक्रमण का, तो वो डीएम के आदेश पर वो गलत तरीके से लिए जा रहे हैं, वो आप खुद ही ये हमसे पूछने से पहले बहन ये सवाल आपको उनसे पूछना चाहिए जो आपकी ड्यूटी लगा रहे हैं, उनसे पूछो कि हम तो रिटायर हो चुके, अब हमें हमारा मानदेय नहीं मिल रहा, ठीक है बाकी लोगों का तो आ गया, हमें जब मानदेय नहीं है, हम रिटायर है तो हम काम क्यों करें। तो आप इस मुद्दे को लेकर के उनसे पूछिए, वो आपको बेहतर जवाब देंगे कि आप रिटायर हो या नहीं, क्योंकि ये आप
उनसे पूछोगी तो आपको शायद कुछ ज्यादा ही समझ में आ जाए। फिलहाल मैं तो इन सब मुद्दों पर बहुत बार बात जो है बहन कर चुका हूं। आगे देखिए अगली बहन है, ये उन्होंने लिखा हुआ है, मैं आंगनबाड़ी भेवान मैथा कानपुर देहात। एक ही में सब बहन ने खिचड़ी करके लिख दिया, ऐसे कौन लिखता है? बीच में स्पेस नाम की चीज होती है, जब भी मतलब कुछ लिखा जाता तो बीच में गैप दे दिया जाता है ना, तो स्पेस बीच में डालिए, स्पेस लिखिए, तब पढ़ने में आसानी होती है। आगे देखो ये पोषण कार्यक्रम उन्होंने मनाए हैं। साथ ही अब आपको बता दें, एक जानकारी अहम है, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग गतिविधि कैलेंडर है अगस्त 2020 मार्च 2021 इसके लिए। इसमें देखो अगस्त महीने में क्या क्या है, सितंबर में क्या, अक्टूबर में क्या। देखो प्रथम मंगलवार को आप लोगों का हमेशा क्या मनाया जाएगा, वजन दिवस मनाया जाएगा। ध्यान दीजिए, नोट कर लीजिए, चाहे आपका अक्टूबर ये महीना हो, चाहे नवंबर हो, चाहे दिसंबर हो, चाहे जनवरी आए, चाहे फरवरी आए, चाहे मार्च आए, ये मार्च तक की मैं बात कर रहा हूं, 2021 के मार्च तक के लिए। इसमें प्रथम मंगलवार को आपको वजन दिवस मनाना है। साथ ही साथ आपको बता दें, तृतीय जो मंगलवार पड़ेगा उसमें आप लोगों को किशोरी दिवस मनाए जाएंगे। जो द्वितीय मंगलवार पड़ेगा इसमें आप देखिए क्या है, इसमें किसी दिन जो है यहाँ पर अक्टूबर में जैसे आपको बता दें गोद भराई रहेगा, नवंबर में सुपोषण दिवस रहेगा, फिर दिसंबर में फिर गोद भराई, और जनवरी में सुपोषण दिवस, फिर फरवरी में गोद भराई, और मार्च में सुपोषण दिवस, यानी एक एक दिन छोड़ छोड़ करके, यानी एक एक महीना छोड़ करके ऐसे सब कुछ होगा द्वितीय मंगलवारों में। चतुर्थ मंगलवार जो पड़ेगा उनमें आपको बता दें अक्टूबर में अन्नप्राशन है चतुर्थ मंगलवार को, और उसके बाद जो है नवंबर आएगा तो वास डे, फिर आपका दिसंबर आएगा तो अन्नप्राशन, जनवरी आएगा तो वास डे, फरवरी आएगा तो अन्नप्राशन, और फिर आपका मार्च आएगा तो वास डे। ऐसे आप लोग बेहतर ढंग से समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं। देखो ये लेटर इसी संबंध में मेरे पास जारी होकर आया था, जिला कार्यक्रम अधिकारी रायबरेली की तरफ से है, 8 अक्टूबर का बहनों लेटर जारी है, यानी कल ही लेटर निकला है। आंगनबाड़ी केंद्र के स्तर पर आयोजित सामुदायिक गतिविधियों के संचालन के संबंध में इसमें लिखा हुआ है, और साफ साफ आप देख पा रहे होंगे इसमें लिखा है, लाभार्थी जितने भी हैं, जैसे आपके 0 से 6 वर्ष के बच्चे हैं, गर्भवती महिला हैं, धात्री महिला हैं, किशोरी बालिकाएं हैं, इन सब में स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार लाने, स्वास्थ्य पोषण वगैरह व्यवहारों में अपनाने, समाज में जागरूकता बढ़ाने के लिए, परिवारों को व्यवहार परिवर्तन के लिए आंगनबाड़ी केंद्र स्तर पर विभिन्न समुदाय आधारित गतिविधियों के आयोजन के संबंध में आदेश इसमें दिए गए हैं। लिखा यह भी है कि प्रत्येक दिवस में 4 घंटे स्कूल पूर्व शिक्षा हेतु निर्धारित होने चाहिए, अतः आंगनबाड़ी केंद्रों पर आयोजित जा रही एक समान कार्यों का लाभार्थी वाली गतिविधियों को एक साथ समाहित किया जाना होगा, ताकि आंगनबाड़ी केंद्र पर जो है आयोजित होने वाले गतिविधियों को गुणात्मक सुधार वगैरह भी किए जाएं। तो यहां पर ऐसे सब इसमें लिखा हुआ है। साथ ही देख लीजिए इसमें और भी क्या है, जैसे इसमें ऊपर लिखा हुआ कि वर्तमान में आंगनबाड़ी केंद्रों पर आयोजित होने वाली 9 सामुदायिक आधारित गतिविधियों तथा उनमें किए जाने वाले कार्यों में दोहराव हो रहा है, जिससे बच्चों के स्कूल पूर्व शिक्षा पर कम ध्यान दिया जा रहा है। भारत सरकार के ECC वगैरह फ्रेमवर्क के दिशा निर्देशों के अनुसार आप लोगों को अब ध्यान देना है 4 घंटे जो आपकी शिक्षा नई शिक्षा नीति के तहत मान सकते हो, यानी स्कूल पूर्व शिक्षा के लिए, यानी प्री प्राइमरी के लिए आपको देने हैं। आगे लिखा हुआ उदाहरण के लिए किशोरियों के लिए आयोजित लाडली दिवस है, किशोरी दिवस है, दोनों कार्यक्रम है, ऐसे ही गर्भवती महिलाओं के लिए आयोजित गोद भराई है, धात्री माताओं के लिए भी आयोजित ममता दिवस है, एक साथ अन्नप्राशन वगैरह दिवस भी है, बचपन दिवस है, ये सब आप लोगों को मनाने हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, जैसा कि देख सकते हो इसमें गतिविधियों के रूप में माह के प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ मंगलवारों के क्या क्या मनाना है, पूर्व में ही मैंने आपको बहन अभी बता दिया, जैसा कि आपने देखा, अब इसको हमें पढ़ने की जो है जरूरत नहीं है। अब आगे चलते हैं और बताना चाहेंगे, जैसे आप लोगों को बता दें, ये देखो एक और आंगनबाड़ी बहन है, इन्होंने मुझे भेजा है, और यहाँ पर मतदान के लिए जागरूक वगैरह शायद किया जा रहा हो, या फिर सॉरी मतदान के लिए नहीं है, पोषण कार्यक्रमों के लिए और मतदान के लिए भी, सॉरी ये देख सकते हो मतदान के लिए भी है, पोषण कार्यक्रम जो मनाए जाएंगे उसके संबंध में भी है। बिहार से 7 बहनें होंगी, ये उनके एड्रेस से लगता है। आगे निशा पाठक बहन, उन्होंने ये कार्यक्रम देखो बनाए हैं पोषण अभियान के तहत, ये सब उन्होंने अपने केंद्र पर मनाया है। निशा पाठक हैं और केंद्र द्वारा शायद कमती लिखा हुआ है कला ऐसे कुछ, तो आगे बताना चाहेंगे। ये देख सकते हो एक और आंगनबाड़ी बहन है, मीना कुमारी बहन है, और ये आपको पता चल गया होगा, हेल्पर भी उनके साथ में है, सुमन देवी साथ, आपको बताना चाहेंगे ये साफ, आप देख लीजिए। आगे एक और ये बहन है, उनका भी मैसेज आया है, और आशा दीदी के साथ में मिलकर के घर घर जा करके उन्होंने एल्बेंडाजोल की गोली वगैरह खिलाई है। ज्योति मौर्या बहन है, उनके द्वारा भेजी गई ये फोटो है। आगे देखिए अगला मैसेज और आया है, इन्होंने बहन ने अन्नप्राशन मनाया है लेकिन अपना नाम लिख करके नीचे नहीं भेजा है। तो फिलहाल के लिए आज शाम का वीडियो कैसा लगा, और कल सुबह आने वाला 7 बजे का वीडियो का इंतजार करना।